हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो पे। और आज की जो वीडियो है वो इजराइल वर्सेस हमास के ऊपर होने वाली है, जो रोजोग्राफी है न्यूज के बारे में, मतलब सच्चाई बताते हैं। तो पहले हम उनकी वीडियो देखते हैं। इजराइल ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है दोस्तों। सीरिया के दो इंटरनेशनल, दमिश्क और जो मेन एयरपोर्ट है अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको उड़ा दिया है दोस्तों। ऐसा हमला किया है कि कोई भी फ्लाइट ना वहां से लैंड कर सकती है, वहां ना टेक ऑफ कर सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि सीरिया के साथ लबनान पर भी हमलावर है। तीन जगह पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है और दुनिया खामोश है। और आप जानते हैं कि ये जंग स्पॉन्सर कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अमरीका। वीडियो देखिए। कहानी अब समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों किया इजराइल ने। इजराइल और अमरीका को सिर्फ एक ही मुल्क का खौफ है, वो है ईरान। आपको बताना चाहूंगा कि खबर यह है कि जब सीरिया उतरने ही वाले थे कुछ ही वक्त पहले, ईरान के विदेश मंत्री, तभी इजराइल ने इन दोनों एयरपोर्ट को उड़ा दिया, जिसकी वजह से आधे रास्ते से ईरान के विदेश मंत्री को ईरान ही लौटना पड़ा। जैसा मैं आपको सुबह बता चुका हूं, देर रात को भी बता चुका हूं कि पूरे गाजा में अब जहां भी आप नजर उठा के देखेंगे लाशें मिलेंगी, कहीं टुकड़ों में, कहीं दबी हुई, कहीं मलबे में, कहीं खुले आसमान के नीचे। कितनी मौतें हुई हैं उंगलियों पर गिनना मुश्किल है। आपके सामने हालात खुद देख लीजिए। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी तो है, लेकिन इजराइल के अलग अलग आसपास के शहरों में अभी भी हमास के लड़ाके मौजूद हैं। सदरोत एक काफी मशहूर शहर है इजराइल का, वहां अभी भी 4 से 5 दिन हो चुके हैं लेकिन हमास के लड़ाके मौजूद हैं वहां पर। ये जो फायरिंग मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सबूत है कि हमास के लड़ाके वहां मौजूद हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के इरादे कितने खतरनाक हैं मैं आपको बता देता हूं। इजराइल का सीधा सीधा इरादा यह है कि पूरे गाजा को मारकर मिटा दिया जाए, खंडर बना दिया जाए, फिर उस जमीन को अपना बना लिया जाए। इजराइल पूरे साल कर क्या रहा है? आपने अगर ध्यान दिया है तो बता दूं कि इजराइल ने पूरे साल अब तक मकानों को तोड़ा है नोटिस लगा लगा के, और फिर वो यहूदियों को दे दिया है। अब ऐसा करने में काफी समय लग रहा था, अब इजराइल के पास अच्छा खासा बहाना है। अब वो बड़े बड़े हमले करके एक साथ पूरे पूरे शहरों को, मोहल्लों को बर्बाद कर रहा है। अब ये देखिए तस्वीर, आप गिन नहीं पाएंगे इतनी मिसाइलें और इतनी भारी भरकम मिसाइलें दिखाई हैं इजराइल ने। और आपको बता दूं ये कौन दे रहा है, अमरीका के अलावा कौन है मैदान में इन मिसाइलों को रखा हुआ है, और इनको ही इस्तेमाल गाजा के आम लोगों के लिए किया जा रहा है। हमास के, फिलिस्तीन के लड़ाकों और हैकर्स ने इजराइल के अंदर बिलबोर्ड को हैक कर लिया, यानी जो डिजिटल बोर्ड्स हैं वो हैक कर लिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो बिलबोर्ड है जो हर जगह सिग्नल लाइट पर, रोड पर, सड़कों के किनारे, मॉल में, मॉल के अंदर, बाहर, हर जगह, उसमें हमास की वीडियो चला दी गई जिसमें इजराइल का झंडा जलते हुए दिखाया है, फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए दिखाया है, हमास की तरफ से फायरिंग और मिसाइल फायर दिखाई गई है। जैसा मैंने आपको बता दिया और दिखा दिया कि इजराइल बड़ी तैयारी से है पूरे गाजा और फिलिस्तीन को मिटाने के लिए। हथियार दिखा दिए, युद्धपोत तैनात कर रखा है अमरीका ने सारे हथियार दिए हुए हैं। अब इजराइल ने भारतीय वक्त के मुताबिक 2 बजे के बाद ऐसा हमला किया गाजा पर
कि जो बचे कुचे लोग थे अब वो भी शायद ना रहे। देखिए, दोस्तों सीने में इंसानियत हो तो आंख नम होगी, वरना भारत के आड़ भक्तों की तरह आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।